हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में माइक्रो आरएनए खोज के लिए दो वैज्ञानिकों को मेडिकल के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। फिजिक्स के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार इस साल का दिया जाना है जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चुना है। नई दिल्ली में 77वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। आगामी महाकुंभ मेला जो 2025 में होगा, इसके लिए लोगो, वेबसाइट और ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। दीपा कर्माकर ने संन्यास से ऐलान कर दिया है, जिमनास्ट से ये संबंधित है। भारत और मालदीव के बीच में $400 मिलियन के मनी स्वैपिंग पॉलिसी या इस सौदे सहित कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कैस सईद ये ट्यूनीशिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जापान के 102वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। अक्टूबर के महीने में चाइनीज ओपन का खिताब मेल कैटेगरी में भी हम देखें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है जेनिक सिनर को हरा करके। और नेपाल ने भारत के माध्यम से भूटान, माफ कीजिएगा, ये बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करके लिए समझौता किया है। और प्रधानमंत्री जन औषधि के तहत देश भर में कुल 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए। तो सभी क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है 2024 का केमिस्ट्री के क्षेत्र का, यानी कि रसायन के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया है कुल 3 व्यक्तियों को। डेविड बेकर है, डेमिस हसाबिस है और जॉन एम जम्पर हैं। ये तीनों ही इसके विजेता रहे हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने 2024 के केमिस्ट्री के नोबल पुरस्कार की घोषणा की है। तो इन तीनों का नाम अभी हाल ही में घोषित किया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में जो अहम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसके लिए इन्हें इस साल का केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार मिलेगा। कल की क्लास में हमने मेडिकल के क्षेत्र में देखा था एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन का नाम, और फिजिक्स के क्षेत्र में देखा था जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ई हिंटन का नाम। अभी दिसंबर के महीने में ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। कितनी कैटेगरी मैंने बता दी, कल दो कैटेगरी बताई थी, मेडिकल की और फिजिक्स की। आज ये याद रखें आप, केमिस्ट्री की, तीन हो गई। चलिए अगला सवाल है, किसे हाल ही में भारत में फ्रांस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो संजीव कुमार सिंगला है, ये बने हैं फ्रांस में भारत के अगले अम्बेसडर। सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं और वह 1997 बैच के भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। बात की जाए फ्रांस की, यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसकी कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है। इस साल के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि यही रहे थे। मिशेल बोर्नियर, इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, अभी हाल ही में इस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये वही पेरिस है जो कि फ्रांस की कैपिटल तो है ही, ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन यहीं पर किया गया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते हैं, 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर है और टॉप पर इसमें अमेरिका है। जबकि बात की जाए पैरालंपिक की, तो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। कुल 29 मेडल इसमें भारत ने अपने नाम किए हैं। 29 मेडल के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा है, इसमें टॉप पर चाइना रहा है। एबॉर्शन को लीगल करने वाला ये पहला कंट्री है, भारत के UPI को अपनाने वाला पहला देश, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये उपाध्यक्ष है। और यूरोनेवल 2024 एक्सरसाइज जो कि आयोजित की जानी है पेरिस में नवंबर के महीने में, दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है ये, ठीक है। पेरिस ध्यान दीजिएगा सीन नदी के किनारे है और इसी पेरिस में आप यूनेस्को का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। और यदि यूनेस्को से रिलेट करेंगे तो भारत के कुल 43 स्थल हैं जो कि यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गए। 43rd नंबर का जो बना है, ये बना है असम का मोईदम्स। विनय मोहन क्वात्रा की यदि बात की जाए ना, तो ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। पी हरीस, ये भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं और इन्होंने रुचिरा कम्बोज का स्थान लिया है। सेंथियल पांडियन, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। मतलब कि यहां मैं ये कह सकती हूं
कि जो पी हरीश है ना, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं रुचिरा कम्बोज के स्थान पर। चलिए आगे चलते हैं। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त रिसेंटली घोषित किया है? तो इसमें से अपना देश जो भारत है, इसे WHO के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण यह साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। अब ट्रैकोमा क्या है? एक संक्रामक जीवाणु का संक्रमण है जो कि अनुपचारित रहने पर, यानी कि इसका उपचार ना मिलने के कारण अंधेपन का कारण बन सकता है। भारत ने इस रोग से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि 1956 के दशक के दौरान अंधेपन का, यानी कि ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण रहा है। अब घोषित किया WHO ने, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948, जेनेवा में मुख्यालय टेड्रोस अदानुम, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो अभी हाल ही में जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है इसी WHO ने, और कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। इस साल 2024 में अफ्रीकी कंट्री है केप वर्डे, जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हुई है, और अफ्रीका की ऐसी तीसरी कंट्री है जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हो चुकी है, मॉरिसस और अल्जीरिया के बाद। अजरबैजान, ये भी मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था, लेकिन ये इस साल नहीं है, ये लास्ट ईयर 2023 में घोषित किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो अक्टूबर महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, जबकि 10 अक्टूबर को आपका ये आता है नेशनल पोस्टल डे। राष्ट्रीय डाक दिवस ये है 10 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस ये है 9 अक्टूबर। तो 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाता है। इस बार ये अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बार की थीम है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, यानी कि 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशंस एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। 8 अक्टूबर को जो इंडियन एयरफोर्स है ना, भारतीय वायुसेना, इसने अपना 92 क्रम की वर्षगांठ मनाई है। 7 अक्टूबर को आपका हो जाएगा वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, जबकि 4 अक्टूबर को आपका विश्व पशु दिवस है जो कि मनाया गया है। अब देखिए, कल की यदि आप लोगों ने मैराथन क्लास नहीं देखी तो जा करके सबसे पहले देखिए, जिसमें कि अप्रैल से सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन 3.5 घंटे की क्लास में कवर हो गया। और इसी दौरान मैंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाऊंगी आप लोगों को, और पढ़ा चुकी हूँ, सबकी PDF वहीं पर अपडेट की जाएगी। मैं अपने माध्यम से 3 बैचेस लॉन्च कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। ईयरली करंट अफेयर, जिसका प्राइस रखा गया है 299 रुपीज, इस ईयरली करंट अफेयर में पूरे एक साल का करंट अफेयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का मिलेगा, क्योंकि क्लासेस शुरू होनी है 21 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तो आ ही जाएगा कोर्स कंप्लीट कराते कराते, ये मिलेगा। और यदि आप ये बैच लेते हैं तो इसमें आपको कोर्स खत्म होने के बाद कंप्लीट फ्री ई-बुक दी जाएगी, ठीक है, और फ्री स्टडी मटेरियल मतलब PDF तो मिलेगा ही। इसके अलावा क्विजेस सॉल्व करने का मौका, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। स्टैटिक GK का कोर्स 249 में वर्ल्ड मैप, इसे करंट से रिलेट करके हम पढ़ेंगे और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। 199 में ये बैच लॉन्च हो रहा है। यदि आप ईयरली करंट अफेयर और स्टैटिक GK का बैच लेते हैं तो ये 399 का है। मैं आपको बता दूं, मैं अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं हूं और ना ही रहने वाली हूं आगे, तो जो है जैसा है खुद का लॉन्च करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इसमें शामिल हो रहे हैं, पैड कोर्स ले रहे हैं, उनकी क्लासेस हम 21 अक्टूबर से शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, और आप लोग मैराथन क्लास जा करके देख लीजिए, कल ही अपलोड हुई है। जो लोग लाइव थे वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 5वें नंबर का सवाल है, उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? मैंने आज क्वेश्चन ऐसे नहीं रखा है कि ये फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया, मेंशन है कि मध्य प्रदेश में किया गया, लेकिन किस शहर में, तब आंसर होगा इसका मैहर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया और इस संगीत समारोह की ये स्वर्ण जयंती है। 3 दिवसीय उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, यानी कि आज तक ये चलेगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं
कला अकादमी और मैहर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस कला से संबंधित थे। स्टैटिक जीके का पार्ट है, गलती नहीं करेंगे। इंदौर से यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो अभी हाल ही में, ये मैं आपको जुलाई का करंट अफेयर बता रही हूँ, लगभग 10 लाख पौधे से अधिक पौधे लगाए गए, लगभग आप कह सकते हैं 10 लाख पौधे लगा करके, यानी कि 24 घंटे में ये 10 लाख पौधे लगाए गए थे। और 24 घंटे में इतने पौधे लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था इंदौर ने। भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, दुनिया का पहला वैदिक घड़ी जिसका नाम है विक्रम, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ही स्थापित की गई। सांची की यदि बात की जाए ना, तो ये भारत की पहली सोलर सिटी है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ अन्य फेस्टिवल्स में एक आप रिलेट कर सकते हैं खजुराहो फेस्टिवल। ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल, इसके अभी तक आप कह सकते हैं कितने एडिशन हुए हैं, 50 एडिशन ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा भोपाल से यदि आप रिलेट करेंगे, तो मध्य प्रदेश की ये राजधानी है, मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक इसे कहा जाता है। भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था, और जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हनुवंतिया टापू, ये भी मध्य प्रदेश में है, जिसे मध्य प्रदेश का मिनी गोवा भी कहा जाता है। जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में यहीं पर किया जाता है। लाडली बहना योजना ये लेकर के आई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो कि चर्चे में थी। लाडला भाई स्कीम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले ही शुरू किया गया है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, इसके अलावा लेपर्ड यानी कि तेंदुओं की भी संख्या सबसे ज्यादा है। देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व है, और 54 नंबर का, 54वें क्रम का जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका हो जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में दमोह वाले क्षेत्र में। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें कि किस पार्टी को बहुमत दिया गया है, बहुमत हासिल किया है रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में ये लगातार तीसरी बार जीत है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन वाली अगली सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें निकाली हैं, कांग्रेस ने 37 और इंडियन नेशनल लोकदल को इसमें 2 सीटें मिली हैं। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये लाडवा सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि अभी हाल ही में पॉलिटिक्स में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट ये जुलाना से चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कि इनकी जीत हुई है। बात की जाए यदि हरियाणा की, मुख्यमंत्री यहाँ के नायाब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, सुल्तानपुर कलेश्वर दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता यही है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, पहला हाइड्रोजन ट्रेन, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, सूरज कुंड मेला और ब्रेस्ट कैंसर के इनिशियल स्टेज पर पता लगाने के लिए कार्यक्रम सवेरा इसी ने लॉन्च किया। अग्निवीरों को माइनिंग कार्ड, पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का वादा, ये भी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है ना, ये की गई थी 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। सबसे पुरानी पार्टी इसमें से यदि हम कहें ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। 1885 में इसकी स्थापना हुई, ए ओ ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। आम आदमी पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई थी, और अरविंद केजरीवाल, अब आप याद रखें कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, अब आतिशा मरलेना ये बनी है नई मुख्यमंत्री दिल्ली की। सवाल नंबर 7वां है, किस केंद्रीय मंत्री ने रिसेंटली हम सफर नीति की शुरुआत की है। अभी हाल ही में जो नितिन जयराम गडकरी जी हैं, इन्होंने, नितिन जयराम गडकरी जी जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं, इन्होंने नेशनल हाईवे पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली में हम सफर नीति की शुरुआत की है। ये नीति इको फ्रेंडली होगी, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे कि इको सिस्टम और स्वच्छता के परिपेक्ष में इसे तैयार किया गया है। दिस पॉलिसी विल बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड हैज बीन प्रिपेयर्ड विद एन आई ऑफ इकोलॉजी एंड क्लीननेस।
अब नितिन जयराम गडकरी जी की बात की जाए ना, तो इन्होंने अभी हाल ही में इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, कहाँ है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, यहाँ से बताना चाह रही थी मैं, ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन इन्होंने NH-44 नागपुर के जो नेशनल हाईवे ना वहाँ पर NH-44 यहाँ पर किया। इसके अलावा इन्होंने एक बांस टावर का उद्घाटन वर्चुअली किया है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में, ठीक है। अमित शाह जी की यदि मैं बात करूँ तो ये गृह मंत्रालय तो संभाल रहे हैं, इनके द्वारा कुछ समय पहले ही 4 नए ऐप लॉन्च किए गए थे, उन्हीं के नाम यहाँ से मैं मेंशन कर देती हूँ। एक का नाम था ई साक्ष, कौन सा ऐप क्या काम करेगा ये भी मैंने आप लोगों को हालांकि उस समय बताया था, ई साक्ष ऐप है, न्याय सेतु ऐप है, इसके अलावा न्याय श्रुति ऐप है, फिर इसके अलावा ई समन ऐप, ये सभी लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के तहत वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से क्या ही रिलेट करेंगे आप, आए दिन कोई ना कोई फैक्ट होते हैं जो कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेट करते हैं। एक तो आप ये रिलेट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस साल इटली में आयोजित किए गए G7 समिट में पार्टिसिपेट किए थे, हालांकि वो अलग बात है कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है, DRDO ने चौथी पीढ़ी का जो VSHORD वायु रक्षा प्रणाली है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पूछा जा रहा है कि कहां से इसका परीक्षण किया गया है, तो ये अभी हाल ही में राजस्थान से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से मैं फुल फॉर्म मेंशन कर देती हूँ, वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी हाल ही में DRDO के द्वारा ट्रायल किया गया है, कहां से, राजस्थान से, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के उपयोग के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक की है। ये एक वायु रक्षा प्रणाली है जो कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो विमान है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों जैसे हवाई खतरों को बेअसर कर सकती है, ये इसकी खासियत है। अब परीक्षण किया गया है राजस्थान से, किसने किया है, DRDO ने। DRDO का फॉर्मेशन ईयर 1958 दिल्ली में, मुख्यालय समीर कामत अध्यक्ष, इसके जो मोटो है आदर्श वाक्य ये हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञानम। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाउ बागड़े, सरिस्का रणथंभौर केवला देव इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, झीलों में पिछौला पुष्कर जय समंद फतेह सागर, और यहाँ का प्रमुख घूमर नृत्य आप लोगों को याद रख लेना है। कर्नाटक से यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो कि आप कर्नाटक से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत में सबसे अधिक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला जो राज्य बना है ये बन गया है कर्नाटक। पश्चिम बंगाल से रिलेट करने के लिए है, यहाँ के ब्रांड अम्बेसडर का नाम रिलेट कर सकते हैं, सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड अम्बेसडर जो कि बनाए गए थे। इसके अलावा ओडिशा 24/7 ग्रेन ATM, अनाज ATM भारत का इसी ने लॉन्च किया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची कह सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी है और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेकरो वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में लद्दाख के हानले में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हानले लद्दाख में मेजर एटमोस्फेरिक चेकनेव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया जो कि एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप है। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है लद्दाख में। अच्छा, सबसे ऊंचे की बात की जा रही है तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी पर था, ये आप याद रखेंगे। अटल टनल सबसे ऊंचाई पर स्थित आपने पढ़ा है, और रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। उत्तराखंड से यदि आप रिलेट करेंगे तो
तो आप रिलेट कर सकते हैं टिहरी बांध, जो कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध यानी कि डैम हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है, आज और कल यानी कि 10 और 11 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21वें आसियान आसियान भारत और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करने जा रहे हैं? तो इस मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रवाना होने जा रहे हैं लाओस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 और 11 यानी कि आज और कल की बात की जा रही है। अपनी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वां जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कौन कर रहा है? लाओस कर रहा है। देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें जो कुल मेंबर कंट्री है वैसे तो आप पढ़ते हैं 10 है, लेकिन इसका 11वां मेंबर कंट्री जल्द ही बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर। ये वही ईस्ट तिमोर है जिसने कुछ समय पहले ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। इस साल की जो मीटिंग है होस्ट कर रहा है लाओस, क्या भारत आसियान का मेंबर है? तो याद रखें बिल्कुल नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस साल ना जून के महीने में ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। लगभग 41 साल बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ये ऑस्ट्रिया दौरा रहा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू गए थे, फिर इंदिरा गांधी जी, और इसके बाद अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा रहा है। ब्रुनेई की यात्रा पर जाने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रुनेई की भी लोकेशन आप देख लीजिए, कहीं पर तो है ये, देखिए। ठीक है, अब मैंने कल आप लोगों से पूछा था, इटली का बता दिया मैंने, G7 समिट में पार्टिसिपेट करने प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे इटली। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया, जिसका आंसर था मध्य प्रदेश। आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। आज का सवाल है, क्लाउडिया शियन बाम नाम है इनका, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इस देश के कुछ फैक्ट्स लिख सकें आप तो अच्छा होगा। फैक्ट्स के साथ कैपिटल, करेंसी, लोकेशन बताइए, और कुछ करंट अफेयर के फैक्ट इस कंट्री से आपने पढ़े हैं तो ऐड करके ज़रूर बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।